जिला स्तर 76वीं ओडिशा दिवस का आयोजन स्थानीय गोप बंधु आयुर्वेद कॉलेज के सम्मेलन कक्ष में किया गया। खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण तथा सहकारिता मंत्री श्री रणेंद्र प्रताप स्वाइन मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल हुए। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की प्रतिमूर्ति के पास दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। पहले महाविद्यालयों के छात्राओं ने वंदे उत्कल जननी का गान किया। मंत्री जी ने स्वाइन समृद्ध ओडिशा के निर्माण का आह्वान देते हुए कहा कि एक नई पीढ़ी के निर्माण के लिए माता पिता ही जिम्मेदार है। सभी को वर्तमान युग में आधुनिक ज्ञान के अनुप्रयोग के साथ बढ़ते रहने का प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भाषा आधारित प्रांत के निर्माण और स्वतंत्रता आंदोलन में पुरी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी महापुरुषों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। ठीक उसी प्रकार अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्री सुभाष चंद्र नाथ शर्मा, श्री विनय कुमार दास, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण परियोजना निदेशक श्री नीति रंजन सेन प्रमुख ओडिशा के गठन पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर उड़िया भाषा प्रतियोगिता में विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया गया। श्री श्याम प्रकाश सेनापति ने कार्यक्रम का संचालन किया। आज सुबह जिलाधिकारी श्री समर्थ वर्मा ने जगन्नाथ मंदिर के पास जाकर उत्कल मणि गोपबंधु की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्री सुभाष चंद्र नाथ शर्मा और उप जिला मजिस्ट्रेट श्री भावतरण साहू भी उपस्थित रहे। पूरी है वीरमाटी एठू प्रथम बिगिल बाजी थी स्वाधीनता संग्राम एवं भाषा आंदोलन पर लड़ई आरंभ होता गोपबंधु जरिया स्वाधीनता संग्राम एवं भाषा आंदोलन एवं ओडिशार अस्मिता लड़ई ये मटीर होता आज ये मटीर से ही माने से ही महामनुषी मान उद्देश्य आम श्रद्धाजलि ज्ञापन कलु एवं नुआ पीढ़ीर लोक मध्य किभली भाव में ओडिशा को आगे निजी से आह्वान रख आज आम ओडिशा राज्य 86 फॉर्मेशन डे स्टेट फॉर्मेशन डे होटा आम समस्त ओडियावासी बहुत खुशी जिनस अच्छी और गवर्नमेंट तरफ जो अलग अलग प्रोग्राम चली आम हाइलाइट भी करुच्छ और उत्कल दिवस को जेहेतु कोरोना कटका चली से हमें टी लो के हिसाब से सेलिब्रेट करुच्छ सब कोविड प्रोटोकॉल पालन कर। रिपोर्ट जगन्नाथपुरी।